में पदभार ग्रहण समारोह में कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए। नगरपालिक परिसर में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण कार्यक्रम चल रहा था, उसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनके बड़े नेताओं की उपेक्षा की गई है। मंच के पास ही दोनों दल के नेताओं का विवाद शुरू हो गया और उनके बीच झड़प होने लगी। मौके पर मौजूद एसपी ने लोगों को समझाने की कोशिश की दी। विवाद के बीच बीजेपी ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी का घेराव कर दिया। प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित नहीं है। हमने इस विषय पे जिला कलेक्टर महोदय जी को मोबाइल फोन के माध्यम से अवगत करा दिया है और अभी उन्होंने हम लोगों को मिलने का समय दिया है। पदभार ग्रहण करना था और पदभार ग्रहण करने के लिए सारे समय तारीख तिथि सब नगर पालिका के अधिकारियों ने तय की थी। और जब आप पदभार ग्रहण करने के का बारी है और पदभार ग्रहण करने के लिए हम लोग आए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं, तो सारे नगर पालिका के सीएमओ और सारे अधिकारी कार्यक्रम को कैंसिल करके भाग गए। तो इस ढंग से प्रशासनिक आतंकवाद चल रहा है। नगर पालिका में पदभार ग्रहण का आयोजन किया गया था। पिछले तीन चार दिन से इसमें लगातार तीन चार बार आमंत्रण पत्र फाड़ा गया। हमारे कांग्रेस नेताओं का नाम कभी किसी का नाम काट देते थे, कभी किसी का नाम काट देते, इसका लगातार विरोध कर रहे थे। हमारे पास 11 पार्षद और 5 एल्डर में, इनको किसी प्रकार से कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी और कांग्रेस नेताओं की उपेक्षा की गई थी।